जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एसी के जगह पे हम पीएसी यूनिट को क्यों नहीं यूज करते हैं, पीएसी और एसी में क्या फर्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीएसी यूनिट इसे बोलते हैं जो कि सर्वरों में लगा होता है, जो हमारे घरों में लगा होता है, वो इस तरह के एसी होते हैं। पीएसी यूनिट और एसी में जो फर्क होते हैं वो आपको सामने देखने को मिल जाएगा। पहला नंबर कि जो एसी होता है उसके आउटडोर में कंप्रेसर लगा होता है, ठीक है, और इसका जो पीएसी यूनिट में जो कंप्रेसर होता है वो इंडोर में लगा होता है। एसी में एसी के जगह पे पीएसी और पीएसी के जगह पे एसी को आप इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि पीएसी यूनिट जो होता है महंगा यूनिट होता है और ये आपको थोड़ा सस्ता मिलता है, चीपेस्ट मिलता है। और सर्वर रूम में अगर एसी को आप यूज करते हैं तो क्या होता है, उसमें ऐसे इक्विपमेंट नहीं लगा होता जिससे वो ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सके और घटा सके बढ़ा सके, ठीक है। पीएसी यूनिट में ह्यूमिडिफायर टैंक, ठीक है, और डिह्यूमिडिफायर का मतलब हो गया हीटर, ये दो इक्विपमेंट लगा होता है जो कि इस एसी में नहीं लगा होता है, जिसके कारण हम सर्वर रूम में पीएसी यूनिट को लगाते हैं। पीएसी यूनिट क्या करता है, सर्वर रूम में ह्यूमिडिटी के साथ साथ टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, बट हमारे एसी में क्या होता है कि कूलिंग के साथ साथ ये ह्यूमिडिटी को मेंटेन नहीं रख पाता है, इसलिए हम सर्वर रूम में एसी को यूज नहीं कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वर रूम में हम एचयू को लगा सकते हैं क्या, तो एचयू को भी आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एचयू का जो फ्लो होता है उससे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है, स्यूटिंग, जो स्यूटेज बोलते हैं आप लोग, ठीक है, स्यूटिंग आने लगता है। डिफ्यूजर पर आपने कई बार देखा होगा गर्म हवा जाता है तो स्यूटिंग आने लगता है। सर्वर रूम में क्या होता है कि जो सर्वर इक्विपमेंट होते हैं उनके, जो बहुत ही हीट जेनरेट करता है, जिसके कारण क्या होता है उनकी कैबिनेट होती है वो, उनके जो सर्वर होता है उस रूम गर्म हो जाता है वहां पे। अगर आप कूलिंग इससे देंगे तो क्या होता है, जब ठंडा डायरेक्ट गर्म की अपेक्षा में जाता है तो वहां पे मॉइस्चर बनने लगता है, तो उससे क्या होता है, मॉइस्चर बनने लगेगा तो क्या होगा, ठीक है, मॉइस्चर बनेगा तो क्या होगा, इक्विपमेंट के ऊपर लिक्विड आने लगेगा, पानी आने लगेगा, इससे क्या होता है उस पर जंग लगने लगेगा और आईटी इक्विपमेंट खराब होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए सर्वर रूम में हम लोग पीएसी यूनिट को यूज करते हैं। पीएसी यूनिट वहां पे क्या फंक्शन करता है, मैं आपको ज्यादा थोड़ा सा सरल भाषा में समझाता हूँ। पीएसी यूनिट क्या करता है, जब हवा देता है उसके साथ साथ क्या करता है, वो ह्यूमिडिटी फायर के द्वारा ह्यूमिडिटी को भी साथ साथ बैलेंस करके भेजता है, जिसके कारण क्या होता है, जब इसकी जो हवा जो जाती है वो डायरेक्ट जा करके इन्वॉल्व होता है जब गर्म हवा में, तो क्या होता है मॉइस्चर नहीं बनाता, ह्यूमिडिटी को नहीं बनाता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी को क्या होता है ऑलरेडी ये कंसेप्ट मेंटेन करके भेजता है, बैलेंस करके भेजता है 50 से 55 डिग्री, 50 से 55%, ताकि ह्यूमिडिटी के साथ साथ टेम्परेचर भी मेंटेन हो सके। इसीलिए हम लोग सर्वर रूम में अधिकांशतः पीएसी यूनिट ही यूज करते हैं, उसके जगह पे अदर यूनिट यूज नहीं करते हैं। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि हम सर्वर रूम में इसे यूज क्यों करते हैं, ठीक है। बेसिकली यही चीज है, जो मेन जो फर्क है वो है ह्यूमिडिफायर और हीटर का, ठीक है, ये चीज नॉर्मल एसी में नहीं लगा हुआ होता है, इसलिए हम पीएसी यूनिट को सर्वर रूम में यूज करते हैं, इसके जगह पे दूसरे एसी को यूज नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।